announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. शोपिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शीरमल जबूरा सड़क का काम तेज गति से चल रहा है। पीएमजीएसवाई ने शोपिया के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराकर उन्हें जोड़ने और जिला मुख्यालय शोपिया व अन्य जिलों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने राज्यपाल प्रशासन व पीजीएमएसवाई के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। लोग पहली बार सड़कों के मैग्डमाइजेशन को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोविड वैक्सीन की कमी का संकट बरकरार है। लोगों को वैक्सीन केंद्रों में बिना डोज लिए मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। 45 से अधिक आयु वर्ग में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मोबाइल पर दूसरी डोज लेने के लिए मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन न होने के कारण उन्हें निराशा मिल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई की नवगठित टीम के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एलजीएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान से मुलाकात की। वहीं राज्य इकाइयों ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर आने वाले चुनाव लड़ेंगे। जम्मू में डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाडक के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने उपराज्यपाल का जम्मू में रोप वे की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारे ही द्वारा लाया गया था ताकि जम्मू की सांस्कृतिक धरोहरों व प्राचीन मंदिरों को जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर में 31 जुलाई के बाद प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के शांत होने के बाद जनजीवन पटरी पर लगभग लौट चुका है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के नए वाइस चांसलर हो सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक एमा का 5 साल का कार्यकाल अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया था। कोरोना से उपजे हालात के कारण नए वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार संजीव जैन का नाम फाइनल हो चुका है। राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए कुल 84 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कश्मीर संभाग में 34,750 LPM की क्षमता वाले 37 प्लांट और जम्मू संभाग में 34,400 क्षमता वाले 45 प्लांट और स्कीम्स श्रीनगर में 2,500 LPM की क्षमता वाले 2 प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को अगस्त तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर से निपटने से सक्षम होंगे सरकारी अस्पताल। अब तक 54 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से दफन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 दफन हो गया वो झूठ बोल रहे हैं। ये बात पीडीपी में राजनीतिक मामलों की कमेटी के नव नियुक्त सदस्य एडवोकेट अनिल सेठी ने कही। उन्होंने कहा कि पीडीपी सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। 2 दिन बाद ईद उल अजहा का त्योहार है, लेकिन कश्मीर में बाजारों में पहली जैसी रौनक नहीं दिख रही है। कोरोना की पाबंदियों के चलते सही से बाजार नहीं खुल रहे हैं और साथ ही महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी खरीदारी नहीं कर पा रहा है। वहीं सरकार द्वारा तय किए गए दामों से ज्यादा भी कुर्बानी के जानवर बिक रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में 10 कांग्रेस विधायक खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में आ गए हैं। इन्होंने साझा बयान जारी कर पार्टी हाईकमांड से अपना संदेश भेज दिया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को निराश ना करें, जिनके प्रयासों से पार्टी पंजाब में अच्छी तरह से खड़ी हुई है।